भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन चार राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चार राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, इस कारण उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पहली बार सात चरणों में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले दो तीन दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। भारत निर्वाचन आयोग को शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।
चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रशासन और पुलिस विभाग और अन्य सभी संबंधित विभाग के सभी कार्मिकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व को संपन्न करने में अपना योगदान दिया है। उन सब का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरा समय दिया और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए किए जाने वाले हरेक प्रयास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र भारत सरकार से जुड़े हुए सभी मंत्रियों के साथ ही सभी पदाधिकारियों के सहयोग से जो ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है, एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो माहौल दिया, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ही विजय श्री उपलब्ध कराई है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में भी बिना रुके, बिना थके, बिना टिके और बिना झुके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को यशस्वी, इस जीत के साथ यशस्वी बना रहा है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता इस जीत का हकदार है। नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे दुनिया के लोकप्रिय नेता के हाथ में मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में जो कार्यक्रम विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किए गए, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2,61,00,000 से भी गरीबों के घरों में शौचालय बनना, 45,50,000 गरीबों के लिए एक आवास बन जाना, उत्तर प्रदेश के अंदर 1,47,00,000 घरों तक बिजली पहुंचाना, 10 करोड़ से भी गरीबों को 5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, 15 करोड़ गरीबों को इस संकट के समय, कोरोना जैसे संकट के समय उनके घर तक राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए संकट का साथी जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी,
तो दुनिया के अंदर या तमाम एक षड्यंत्रकारी जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। और हम सबको अपने कार्यों के माध्यम से एक बार फिर से साबित करना है कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को देश प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। और इस से एक बार में फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने और जनता जनार्दन ने जो इसमें व्यापक अपना समर्थन दिया है, चुनाव के प्रति हमने देखा है खासतौर पर आधी आबादी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है अपने सहयोगियों के साथ में, आज इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही, उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। ये इतिहास जब यशस्वी नेता होता है, नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी नेता के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत का ये बहुमत प्राप्त होता है, ये प्रचंड बहुमत आज इसकी परिणति के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अपने दोनों सहयोग प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, दोनों सहयोगियों वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अपने सहयोगी दल निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, मंत्रिमंडल के अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री सतीश महाना जी, श्री ब्रजेश पाठक जी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री सुनील बंसल जी और प्रदेश के हमारे संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी की ओर से पूरे प्रदेशवासियों का एक बार फिर से इस प्रचंड बहुमत के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके पास दुनिया का सबसे यशस्वी नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर एक प्रदेश बनेगा। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपके उत्साह के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के लिए इसमें उत्साह के साथ भागीदार बनने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आभार, भारत निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का, प्रदेश के चुनाव से जुड़े हुए पूरे प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का और उन सभी का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोग
लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए योगदान दिए हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।